आज हम उन्नाव जिले के आसीवन थाना क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां पर अक्सर लोगों के निशाने पर रहने वाली पुलिस आज इस विषम परिस्थितियों में लोगों की बहुत मददगार बनकर सामने आई है। आज हम एक विशेष खबर आपको दिखाते हैं, जहां पर किस तरीके से आसीवन पुलिस डायल 100 लोगों को किस प्रकार से नाश्ता की व्यवस्था कराती है, किस प्रकार घर भेजने के लिए व्यवस्था करती है। आज यहां पर कोरोना वायरस को लेकर के किस तरह से मजदूर प्लान करने को मजबूर है, बने रहिए हमारे साथ। अक्सर लोगों के निशाने पर रहने वाली पुलिस इस आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों की बड़ी मददगार बनकर सामने आ रही है। ऐसा ही एक नजारा उन्नाव जिले में देखने को मिला, जहां आसीवन पुलिस ने लखनऊ बांगरमऊ मार्ग पर राजधानी दिल्ली जयपुर से पैदल चलकर आ रहे युवकों को न सिर्फ खाना खिलाया, बल्कि वाहन पर बिठा कर उनके गांव सकुशल भिजवा कर मानवता की मिसाल पेश की। नाम है मेरा, वो बैजनाथपुर का निवासी है। हम जयपुर से पैदल चल के आया हूँ आगरे तक, और आगरा से वो ट्रक से बैठ के यहाँ पे का नाम है, ये तो मियागंज है या ऐसा ही कुछ है इधर। हाँ, पानी नहीं खिलाया हमको, बर्फी खिलाया नहीं खिलाए, और हमारे जाने के लिए व्यवस्था भी कर रहे हैं। जयपुर से आ रहा है, जरुद्दीन नाम है, आगरा तक पैदल आए हैं, वहाँ से साधन जिसमें मियागंज चौराहे पे हम लोग पेट्रोल पंप से। हाँ, हमारी बहुत मदद की, खाने पीने के लिए सामान दिए, पानी पीने के लिए और भिजवाने के लिए व्यवस्था भी कर रही है हमारी। उन्नाव से कैमरा पर्सन गोविंद सिंह के साथ केकेडी न्यूज संवाददाता अश्विनी सिंह की रिपोर्ट।